मास रेस्टोरेंट पे पाए लाजवाब जायका, अपने मनपसंद खाने का स्वाद, वेज नॉनवेज की स्पेशल वैरायटी, चाइनीज मुगलाई फैमिली रूम भी अवेलेबल। यही नहीं, स्वीट एंड बेकरी में काजू की बनी अलग अलग वैरायटी के गिफ्ट, मिठाइयाँ, दूध और मावा मिठाइयाँ, हलवा, माज स्पेशल, नमकीन, केक और भी बहुत कुछ। मिठाइयों का मैन्युफैक्चर पाएं 10% का डिस्काउंट। माज रेस्टोरेंट स्वीट एंड बेकरी पे आए खाने और स्वीट का स्वाद पाएं। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुमरा बाईपास से सटे अंबेडकर पाड़ा में मस्जिद का चंदा और मस्जिद के लिए जो बोरिंग की गई है उसका पैसा हड़पने का आरोप एक शमशाद नाम के व्यक्ति पर स्थानीय लोग लगा रहे हैं। दरअसल अंबेडकर पाड़ा के लोग इस हरकत से बेहद ही नाराज़ हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि अंबेडकर पाड़ा के लोगों ने मस्जिद बनवाई और बोरिंग भी करवाई। बोरिंग के पानी से मस्जिद में वजू और साफ सफाई का काम हो सके और स्थानीय लोगों को भी इस पानी से फ़ायदा मिल सके, मगर स्थानीय निवासी शाहिद सुरती मोहम्मद इरफान और अन्य लोगों ने बताया कि शमशाद नाम के व्यक्ति ने बिना लोगों को जानकारी दिए मस्जिद के कुछ कागजात बनवा लिए हैं और शमशाद के साथ और भी 4 से 5 लोग इसमें शामिल हैं और मस्जिद के नाम पर चंदा वसूलते हैं और बोरिंग का पानी भी बेचते हैं। स्थानीय लोगों ने जब इसका विरोध किया तो इस पर विवाद खड़ा हो गया। अंबेडकर पाड़ा के लोग काफ़ी इससे नाराज़ हैं। वहीं इस मसले पर जब कुछ पत्रकारों ने शमशाद का भी पक्ष जानना चाहा तो पता चला कि वो मुंबई में रहते हैं, उनका कोई कॉन्टेक्ट नंबर भी हमें नहीं मिल पाया है। अगर इन लग रहे आरोपों पर अपना पक्ष रखना चाहते हैं शमशाद तो वो भी हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम भी उनका पक्ष रखेंगे। मगर स्थानीय लोगों ने क्या कुछ आरोप लगाया है सुनिए। मस्जिद का मामला ये, इतने दिन से हम मस्जिद सब मोहल्ले वाले मिलके संभाल रहे हैं। इस अंबेडकर पाड़ा में सारे मोहल्ले के लोग मिलके मस्जिद बनाए, ये रजिस्टर है हम लोग के पास, हर जुम्मा का हिसाब किताब इसके अंदर है। और इन लोगों ने कुछ 4-5 जन मिलके मस्जिद अपने नाम पर रजिस्टर करा लिए। इनका बोलना ऐसा है, कौन लोग हैं उनके नाम, इसमें एक शमशाद भाई है जो यहाँ पे रहते नहीं है और इस मोहल्ले के 2-4 लोग है जो इनके साथ मिले हुए हैं, जो इनके खानदान वाले और घर वाले ये सब संबंधी ये सब रिश्तेदार है, ये सब मिलके अपने नाम पे रजिस्टर करा लिया। और कल हमको बोल रहे जुम्मा की नमाज के बाद कि मस्जिद के ट्रस्टी हम लोग हैं और आप लोग मस्जिद के बाहर जाइए, सब पैसा हमारे पास आएगा। कुछ लोग शमशाद भाई जैसे लोग हैं जो बोलते हैं हम 4 मदरसे और चला रहे, ये 5वां मदरसा भी हम चलाने आ रहे, जो 4 मदरसा पहले चला रहे 5वां मदरसा चलाने जो बम्बई यहाँ हुआ क्या उन किधर जाके इस मस्जिद का फोटो दिखा के, इस पहाड़ का फोटो दिखा के चंदा वसूल कर रहे जिसका कोई हिसाब नहीं हमारे पास, वो क्या कर रहे अल्लाह बेहतर जाने। इस मोहल्ले के लोग 500-500 रुपया जमा करके इस मस्जिद के लिए बोरिंग मरवाए और रात के 1:30-2 बजे तक फॉरेस्ट से लड़े, सबसे लड़ाई करके यहाँ आज बोरिंग चालू हुई है और इस बोरिंग का पानी इस मोहल्ले वाले को नहीं मिल रहा है। नहीं मिलते हुए ये पानी ये अपने घर पे लेके जाके अपने घर में नल लगा के 200-200 रुपये में लोगों को पानी दे रहे, जो भी जो इनके पहचान के जानने वाले जो लोग मेहनत किए उनको पानी नहीं मिल रहा है, जबकि बोरिंग जो ये मारी गई है मस्जिद की बोरिंग है, मोहल्ले वालों ने रखी थी, ये मस्जिद का जो बुनियाद रखी थी मोहल्ले वाले ने सब मिल के रखे, एक एक मुंडा हर मोहल्ले वाले लोग ने मिल के अपने घर से एक एक मुंडा एक एक ईंट ला के दिया गया है और ये मस्जिद को बनाया गया और आज भी ये मस्जिद की हालत देखो क्या है, सब मोहल्ले वाले मिल के पतरा ठोकते सब करते। वीडियो वायरल हो रही थी उसमें किसी ने कहा कि भाई हमें निकाला जा रहा है यहाँ से कि हमारा है, तो मस्जिद पे तो मस्जिद तो खुदा का घर है, वहाँ पे हर कोई ऐसी बात हो रही थी कि हम ट्रस्टी बन गए, जुम्मा बाद के पैसे हम लेंगे, पानी के पैसे हम लेंगे, यहाँ जो लाइट डाला गया है लाइट के 200-200 रुपया लिया जा रहा है लोगों से गलत तरीके से डायरेक्ट लाइन से, तो 200-200 रुपया उनसे उनका घर चलता है, मस्जिद की बिजली से बिजनेस किया जा रहा है, मस्जिद की बिजली से बिजनेस किया जा रहा है और मस्जिद की जो बोरिंग मारी गई वो बोरिंग से लोगों को पानी बेचा जा रहा है, वो भी मस्जिद से नहीं बेचा जा रहा है, अपने घर पे लाइन लेके जाके अपने घर से पानी दिया जा रहा है। जो मस्जिद का पानी बोरिंग का जो पैसा लिया जा रहा है तो वो मस्जिद के फंड में आ रहा है क्या उनके जेब में? यही मेरा पूछना है, मेरी आज जो बात है यही बात है कि आप लोग ये जो मस्जिद के नाम का जो पानी बेच रहे इसका हिसाब किधर है? जो डायरेक्ट लाइन जो मस्जिद के लिए हमने 7 बंडल डाला, 8 बंडल जो भी वायर डाल के मोहल्ले वालों ने मस्जिद को लाइट दिया है
उसका जो तुम लोग डायरेक्ट वापर रहे और जो दूसरे झोपड़ों में लाइन देके दो दो 300-300 रुपया लोगों से लिया जा रहा है, वो सब पैसे का हिसाब किधर है? जब हमने ये पूछे तो बोला गया कि हम मस्जिद के ट्रस्टी है, तुम कौन होते हमसे पूछने वाले? इस मस्जिद को हो गए 4 साल, 4 साल हो गया इस मस्जिद को बनाते हुए आज से, और मस्जिद को 5वां साल चालू है। हम रात रात को इधर खड़े थे, हमारे एक लोटा पानी भी नहीं मिलता, एक कल से भी नहीं मिलता है पानी, वो लोग बेचते है, क्या करते पता नहीं। पानी लेके आती है आप? हमने पानी का पैसा देते हो? महीने में 200 रुपए देते हैं हमने। 200 रुपए वो दूसरा दूसरे जगह देते, ये लोग हमारा नहीं देते पानी, जिधर से लेके उधर नहीं देते पानी। आप बाहर से पानी खरीद? जो बाईपास में जो हिंदू इलाका है, हम लोग को पानी दे रहे। मस्जिद की लाइन यहाँ पर है या पीछे? नहीं, मस्जिद की लाइन यहीं पर ही। अभी हम लोग बोल रहे हैं लास्ट में पानी के लिए, दोनों के लिए लाई गई थी क्या पानी? नहीं नहीं लेते, 200 रुपया ले रहे।